class. Today in this class I will going to teach you about shop and hop, and in which I have taken the topic groceries shopping. I think each and every student likes to shop. सारे बच्चों को shopping करना अच्छा लगता है, but इस class में मैम आपको ये सिखाने वाले हैं कि हम groceries shopping की list किस तरीके से बना सकते हैं, so that you can help your family. आप अपनी family को easily help कर पाएंगे. So children, first of all, I would like to tell you what are groceries. सबसे पहले तो मैम आपको बताएंगी groceries क्या होती है. So children, groceries are all the food items of different categories which comes in groceries list. ठीक है, जो सारे food items होते हैं different different categories में आ जाते हैं, वो आपके groceries list में आते हैं. So children, grocery list है. Now see here, it is divided. I have divided grocery healthy grocery list essential. आज आप क्या सीखेंगे कि आप अपने घर के लिए हेल्दी ग्रोसरी लिस्ट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पेरिशेबल फूड्स एंड नॉन पेरिशेबल फूड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर पेरिशेबल फूड्स, आपके लिए ये जानना जरूरी है. पेरिशेबल फूड्स क्या, कौन से फूड्स होते हैं? ओके, मैम आपको बताती हैं. पेरिशेबल फूड्स आर दोज फूड्स जिनको हम बहुत टाइम तक यूज नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, हमें उसको जल्दी यूज करना होता है. अदरवाइज अगर हम उसको स्टोर करेंगे तो वो ऐसे फूड होते हैं जो स्पॉइल हो जाएंगे. For example, children, fruits, veggies, bread, buns, and dairy products. So these are the perishable food items. Now come to non-perishable food items, children. Non-perishable foods are those foods, वो food होते हैं जिनको हम बहुत time तक store कर सकते हैं और उनको हम monthly और yearly भी इसको consume कर सकते हैं. For example, frozen dried foods जो हम monthly अपने freezer में जो भी veggies और essentials होते हैं उसको हम store करके रख सकते हैं. Oil and tea bags, cereal bars, juice boxes, जो packaged आपके जो सारे foods होते हैं, packaged foods होते हैं, उसको हम store करके रख सकते हैं. तो अभी आपको idea हो गया होगा कि what are perishable foods and non-perishable foods. तो आपके लिए easy होगा कि आप अपने घर की grocery list easily create कर सकते हैं. Children, one important thing I would like to tell you, जब आप grocery list बनाते हैं तो monthly basis पे बनती है. ठीक है, now you can see the picture here. This is a grocery list. First category, fruits, veggies, these all comes in perishable foods and dairy. And the next one is grains, drinks, freezer. So all the necessary items जो भी आपको अपने घर पे need होती है according to your you and your family preference, उसके according आप अपनी grocery list को बनाएंगे. ग्रोसरी लिस्ट यहाँ पे आइटम्स लिखे हुए हैं, तो इस तरीके से आपके जो भी यूजफुल जो आइटम्स होंगे आपके घर से रिलेटेड, तो आप अपने वही आइटम्स पहले उसको उसकी लिस्ट क्रिएट करेंगे. ओके, आई हैव टू प्रोडक्ट्स हियर. ओके, सो व्हेनेवर यू गो फॉर शॉप, अगर आप कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं, तो देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू चेक. आपको थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है, वो चेक करना बहुत जरूरी होता है. अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी मदर के साथ, सुपर मार्केट्स या स्टोर्स में जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, आई हैव टू प्रोडक्ट्स हियर. सो बैक साइड पे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको सबसे पहले क्या चेक करना होगा, रेट. ओके, which is very important. And the second thing is, children, date of packaging. You can see here, आप यहाँ पे देख रहे हैं date of packaging. इसका ये मतलब होता है, ये manufacturing का part होता है कि आपका जो भी product है वो कब manufacture हुआ है. So you can see here August 2020. तो जब इसकी जो packaging हुई है इस product की, तो इसकी packaging August 2020 में हुई है. उसके बाद आप क्या देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे expiry date. ये इसलिए important होता है कि जब भी जो भी आप product लेंगे, तो आपको आप चाहेंगे कि आपके product आगे बहुत time तक यूजफुल रहे और आप उसको यूज कर पाए, तो तभी आपको उसकी एक्सपायरी डेट देखनी होती है. अगर एक्सपायरी निकल जाएगी तो आप उस कोई सी भी चीज़ को यूज नहीं कर पाएंगे. सो इसलिए आपको एक्सपायरी डेट देखना बहुत जरूरी होता है. चिल्ड्रन, नाउ यू कैन सी हियर, बेस्ट बिफोर 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ पैकेजिंग. इसका ये मतलब हुआ कि सबसे पहले आप डेट ऑफ पैकेजिंग देखेंगे अगस्त 2020, और यहाँ पे दिया हुआ है बेस्ट बिफोर 9 months. सो अगस्त 2020 से आप 9 months तक अपनी कोई सी भी प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं. चिल्ड्रन, आई होप इस क्लास में आपने काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट सीखा है, और आप इसी तरीके से आप अपने घर पे अपने पेरेंट की, अपने फैमिली की हेल्प कर सकते हैं, और इस तरीके से ग्रॉसरी लिस्ट अपने घर के लिए क्रिएट कर सकते हैं. थैंक यू.